दसवां नाम श्रीमान प्रकाश सिंह जी, मनीष सिंह, देवी जी, मढ़िया परिवार। ग्यारहवा नाम पंकज जी, तरुण जी, जयम जी, कुशाल जी, दंसल परिवार। बारहवा नाम पवन जी, नवीन जी, नमन जी, लक्ष्मी कठोर परिवार। तेरहवा नाम संतोष जी, सुभम जी, कुलेरिया परिवार वाले परिवार। चौदहवा नाम अनंतचंद जी, गीता जी, चौरिया परिवार। पंद्रवा नाम सत्यनारायण जी, हिमांशु जी, मित्तल परिवार। सोलवा नाम श्रीमान प्रकाश जी, महावीर जी, हंसराज जी, हरद्वारा परिवार। सत्रवा नाम वीरेंद्र जी, रविंद्र जी, मनोज जी, मोहित जी, आदिनाथ परिवार श्रीमान। अठारवा नाम राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी, अभिषेक जी, गदिया परिवार। उन्नीसवा नाम श्रीमान सूरजवंत जी, संदीप जी, सेठिया परिवार। बीसवा नाम राजकुमार जी, पारस जी, कपिल जी, मृत्यु जी, सोगानी परिवार। इक्कीसवा नाम श्रीमान हुकुम जी, पवन जी, सोगानी परिवार। बाईसवा नाम श्रीमान महेंद्र जी, संदेश जी, धारोप्य परिवार। तेईसवा नाम श्रीमान देशभूषण जी, मंथन जी, उस्मानाबाद परिवार। श्रीमान चौबीसवा नाम श्रीमान कमलेश कुमार जी, अशोक जी, गोयल परिवार। पच्चीसवा नाम श्रीमान प्रेमचंद जी, राजेश जी, जिनेश जी, विनोद जी, दिव्यांश जी, एनसी साह परिवार। छब्बीसवा नाम श्रीमान अभिनंदन जी, अजय जी, अरविंद जी, अंशु जी, अंकुर जी, सिंगल परिवार। सत्ताईसवा नाम श्रीमान सुगन चंद जी, मनीष जी, रजनीश जी, आयुष जी, प्रत्युष जी, मावा वाले परिवार, हनुमान नगर। चलिए और किसी का नाम यदि रह गया हो तो वो बता दें। तीन आदमी कम अभी भी कोई रह गया हो तो वो आ जाए। ये जो नाम लिखे जा रहे हैं ये हर माह के जो श्रावण सृष्टि परिवार होते हैं जो पूरे माह तक चलते हैं उनके नाम हैं। जो शांतिधार में नाम लिखवाना चाहते हैं वो 1100 रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ पर काउंटर पे भैया खड़े हुए हैं, इनके पास लिखवा देंगे। जो भी अपने नाम लिखवाए मेरे पास मत लिखवाया करें, काउंटर पे जो भैया खड़े रहते हैं उनके पास ही लिखवाया करें या फिर नीचे ऑफिस में लिखवाया करें। कोई भी नाम में त्रुटि होती है तो उसका मैं कोई भी जिम्मेदार नहीं रहूंगा, नीचे काउंटर पे आप अपना नाम लिखवाया करें। चलिए प्रारंभ करते हैं अभिषेक के लिए। कर्म प्रबंधन गणे अपि ओम।
हम 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 सम सम तम तम पम पम जम जम रीम रीम श्रीम श्रीम त्रम त्रम द्रीम द्रीम हम जम रीम श्रीम हम सम जम वम रयस छम छिम छम छिम छिम छम 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 श्रीम राम रीम रूम रीम रीम रूम 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 त्रम त्रीम नमोर्ति भगवति श्रीमती हृदय वृक्ष निमंत्रिषि अस्मकमायज्ञ परिवार से श्रीमान पदमजी राजेन्द्रजी मुकुंदी काका प्रकाश जी प्रतीक जी वैभव जी विराज जी अस्सी तस्सी हर सौरभ परिवार से यज्ञ परिवार से श्रीमान महावीर जी सिद्धार्थ जी समस्त मित्तल परिवार से श्रीमान सब्जी मरीज जी जयंती जी की जी मणिवाल परिवार से श्रीमान चक्री सी नील सी मयूर जी जय सी देव जी कोडिया परिवार से श्रावक सृष्टि परिवार से श्रीमान जम्बू जी अभिमन्यु जी दिव्या सी चेतु सराम परिवार से श्रीमान धनराज जी संतोष जी सुरेश जी लवनी जी विशाल जी विनीत जी मुनीश जी गर्वित जी जेठानी वाले परिवार से श्रीमान अशोक जी राजकुमार जी विवेक जी आनंद जी विकास जी समस्त ठोरा परिवार से श्रीमान शांतिलाल जी उमेश जी अक्षिल जी उमेश जी विकास जी अक्षिल जी फातुल परिवार से श्रीमान जयप्रकाश जी रजत जी सुभद्रा परिवार से श्रीमान नरेंद्र जी हेमंत जी प्रतीत जी मनोज जी जयसवाल परिवार से श्रीमान महेश जी विपिन जी लक्ष्मी आगम जी गंगवाल परिवार से श्रीमान धनलाल जी मदन जी महेंद्र जी त्रिलोक जी ओम जी सुरेंद्र जी भूपेंद्र जी पवन जी अंकित जी सौम्य जी भव्यम जी कीर्ति डोंगरवाल परिवार से श्रीमान डॉक्टर केसी जैन जी मदन जी गर्वित जी जैन हरसौरा परिवार से श्रीमान प्रकाश जी मनीष जी सुनील जी काव्यं जी देवी जी जैन बढ़िया परिवार से श्रीमान पंकज जी अरुण जी धारण जी अरिंजय जी जयंत जी कुशाल जी कंसल परिवार से श्रीमान पवन जी नवीन जी नमन जी लक्ष्मी जी कटोल परिवार से श्रीमान संतोष जी शुभम जी दुगेरिया पनवाड़ वाले परिवार से श्रीमान माणक चंद जी महावीर जी ईसा जी छवरिया परिवार से श्रीमान सत्यनारायण जी हिमांशु जी दीक्षांत जी मित्तल परिवार से कुनाड़ी श्रीमान प्रकाश जी महावीर जी हंसराज जी दानवंत जी अक्षय जी गौरव जी गर्वित जी यश जी रोहित जी अद्वित जी गव्या जी जैन हरसौरा परिवार से श्रीमान वीरेंद्र जी रविंद्र जी मनोज जी मोहित जी नमन जी उमंग जी परिवार से श्रीमान राजेंद्र जी शैलेन्द्र जी अभिषेक जी मियां जी गलिया परिवार से अजमेर वाले श्रीमान सूरजवल जी संदीप जी प्रदीप जी श्रवण जी अधिक जी अभियान जी सेठिया परिवार से आरकेपुरम श्रीमान राजकुमार जी पारस जी कपिल जी मृदुल जी जैन सोमारी परिवार से श्रीमान हुकुम जी हुकुम चंद जी पवन जी कमलेश जी संजय जी कीर्ति कपिल जी अमित जी अक्षय जी संवेद जी संचित जी हर्षित जी समस्त सोमारी परिवार से श्रीमान महेंद्र जी संदीप जी तन्मय जी थानोप्य आवा वाले परिवार से श्रीमान देशभूण देशभूषण जी मंथन जी समस्त खड़े परिवार उस्मानाबाद महाराष्ट्र श्रीमान कमलेश कुमार जी अशोक जी संदीप जी गीता श्री लावर जी अयान जी जैन गोयल परिवार से श्रीमान प्रेमचंद जी राजेश जी जिनीश जी विनोद जी भारत जी रजत जी दक्षति दिव्यांश जी यश जी साह परिवार से श्रीमान अभिनंदन जी अदय जी अरविंद जी अंशु जी अंकुर जी जैन सिंगल परिवार से श्रीमान सुगम चंद जी सुगन चंद जी मनीष जी रजनीश जी आयुष जी प्रत्युत जी मावा वाले परिवार से हनुमान नगर उपस्थित समस्त भव्य जन एवं दिगंबर जैन समाज कोटा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण आज पौष कृष्ण पंचमी का परम पावन दिवस
महाधिकारी बड़े बाबा देवाली देवी के द्वारा श्री आदिनाथ गांधी के निमस्तक पर एवं भूतल पर विराजमान मूल्य भगवान दिवाली देवी के द्वारा श्री आदिनाथ गांधी के त्रिमस्तक पर एवं मुख्य पाण्डुशिला पर विराजमान विधि नायक भगवान जी के त्रिमस्तक पर 108 विधि मंत्रों के द्वारा जलसाभिषेक एवं बृहद शांति धारा बोलियों के माध्यम से होगी। अतः जो भी महात्मा ये परम सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं वे अभिषेक पाठ के बाद ये परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं एवं अन्य पाण्डुशिलाओं पर विराजमान विधि के त्रिमस्तक पर बृहद शांति धारण जो करने का परम सौभाग्य जो भी महात्मा प्राप्त करना चाहते हैं वे अपना नाम प्रेरित कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए की राशि के माध्यम से आप ये परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 108 विधि मंत्रों के बाद विधि के त्रिमस्तक पर शांति धारा होगी। अतः जो भी महानुभव शांति धारा में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं मात्र 1100 रुपए की राशि के माध्यम से आप ये परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर काउंटर पे भैया खड़े हुए हैं, इनके पास आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। जय जय
पुण्य के क्षेत्र के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान
सभी लोग आसन लगाकर बैठ जाएंगे नौ बार उखाणा करने के लिए। सभी लोग आसन लगाकर बैठ जाएंगे नौ बार उखाणा करने के लिए। तत्पश्चात बोलियों के माध्यम से अभिषेक होगा। अगर सभी लोग बैठे हैं अभी पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवारी देवी खजारण श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवारी देवी खजारण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि कुंभ श्री सदा सागर जी महाराज की जय। कड़ाई दीप समस्त महामुनि राजों की जय।
आज पौष शुक्ल पौष कृष्ण पंचमी का परम पावन दिवस, सोमवार का परम पावन दिवस, आज 2024 का प्रथम दिन, 1 जनवरी का परम पावन दिवस। ऐसे परम पावन दिवस पर जहाँ पर आज लोग बहुत सारे लोग कल रात्रि से ही अनेक जगहों पर जाकर के अमंगलिक जगहों पर जाकर के अपने नए वर्ष को जिन्होंने सेलिब्रेट किया, और हम परम सौभाग्यशाली हम बहुत धन्य जीव हैं जिन्होंने कल रात्रि में भगवान के मंदिर में आकर के और नए वर्ष को अपन ने सेलिब्रेट किया। बहुत सारे लोग पब में जाकर के, क्लब में जाकर के, होटलों में जाकर के, गार्डन में जाकर के, ऐसी अमांगलिक जगहों में जाकर के ना जाने क्या क्या करते हैं, और हम परम सौभाग्यशाली जीव, आप सभी परम सौभाग्यशाली जीव जो मंदिर में आकर के विराजमान है, बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे होंगे, ऐसे परम सौभाग्यशाली जीव कौन वह परम सौभाग्यशाली होगा जो आज वो तल पर विराजमान, चमत्कारी बड़े बाबा, अतिशयकारी बड़े बाबा, नीचे भूतल पर विराजमान आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर सर्वप्रथम 108 सिद्धि मंत्रों के द्वारा कलशाभिषेक, प्रथमाभिषेक, प्रहेश धारा एवं श्री जी को विहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा। बोली प्रारंभ करते हैं। 2100 रुपए नीचे भूतल पर विराजमान दिवाली के विघ्नहरण आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर, मूलनायक भगवान आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर सर्वप्रथम इंद्र बन करके अभिषेक करने का परम सौभाग्य, बृहस्पति शांति धारण करने का परम सौभाग्य, 108 नित्य मंत्रों के द्वारा कलशाभिषेक करने का परम सौभाग्य एवं श्री जी को विहार कराने का परम सौभाग्य, एक ही बोली में 4 परम सौभाग्य, मूलनायक भगवान जी के श्रीमस्तक पर मात्र 2100 रुपए बाहर से पधारे अतिथि महानुभव भी यह परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 2100 रुपए 3100 रुपए 3100 रुपए 3100 रुपए 3100 रुपए बाहर से बधाई अतिथि महानुभव भी यह परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज का कल मैं प्रवचन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग बाहर जाकर के अपने नए वर्ष को मनाते हैं और अमांगलिक करते हैं, अपने जीवन में अमंगल को आमंत्रित करते हैं। आप सभी धन्यभागी हैं जो बड़े बाबा के चरणों में आकर के मूलनायक भगवान जी के चरणों में आकर के अपने नए वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला दिन अपन को ऐसी जगह पर मनाना चाहिए कि जो मांगलिक स्थान हो, जब हमारी आंखें खुले तो हमें मंगल के दर्शन हो, जब हमारे कान में हम कोई शब्द पढ़े तो मंगल के शब्द पढ़े, हमारे चरण हमारे हाथ पूरे पावन हो जाए, हमारा पूरा शरीर पावन हो जाए, ऐसे मंगल स्थान पर जाकर के हमें अपने मांगलिक दिन को मनाना चाहिए। तो ऐसे मांगलिक स्थान पर आप सभी विराजमान है, और पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि 1 तारीख को हो सके तो हमें गुरुओं के पास जाना चाहिए या फिर किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाना चाहिए। और आप लोग परम सौभाग्यशाली, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम अतिशय क्षेत्र पुण्योदय रसिया जी में विराजमान है, बड़े बाबा के समक्ष विराजमान है, जहाँ 2 बार अतिशय हुए 2001 में नीचे पार्श्वनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर अभिषेक हुए, और 2023 में बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर कई बार देवों के द्वारा अतिशय हुआ। ऐसे अतिशय पुण्योदय क्षेत्र में विराजमान, नीचे भूतल पर विराजमान महातिशयकारी चमत्कारी देवानी देव आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर 108 नित्य मंत्रों के द्वारा कलशाभिषेक, बृहस्पति शांति धारा एवं श्री जी को विहार कराने का परम सौभाग्य एवं प्रथमाभिषेक करने का परम सौभाग्य, एक ही बोली में 4 परम सौभाग्य मात्र 3100 रुपए 3100 रुपए 3100 रुपए 4100 रुपए 4100 रुपए 4100 रुपए 4100 रुपए 5100 रुपए 5100 रुपए जय बोले बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान जी की जय। 5100 रुपए 5100 रुपए 5100 रुपए 7100 रुपए 7100 रुपए 7100 रुपए 7100 रुपए
71,000 रुपए, 81,000 रुपए, 81,000 रुपए, 81,000 रुपए। जय बोले देवानी देवी खजाना श्री आजरा भगवान की जय। 81,000 रुपए, 81,000 रुपए। आज वर्ष का प्रथम दिन है, ऐसा कहते हैं जो हम पहले दिन करते हैं, जैसा मांगलिक हम पहले शुरुआत करते हैं वैसा ही वर्ष भर होता है। और इसी मंगल भावना के साथ में आज हम सभी बड़े बाबा के चरणों में विराजमान हैं। नीचे भूतल पर आदिनाथ भगवान जी हमारे ऐसे अतिशयकारी महान चमत्कारी आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर प्रथम तीर्थंकर 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। जय बोले देवानी देवे खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। भूतल पर विराजमान अतिशयकारी आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। प्रवेश शांति धारा 108 विधि मंत्रों के द्वारा दलसाभिषेक, त्री जी को विहार कराने का परम सौभाग्य, इंद्र बनकर के प्रतिमाभिषेक करने का परम सौभाग्य, एक ही बोली में चार चार परम सौभाग्य, मात्र 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। जो भी भैया बोली लगा रहे हैं वे बोली को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद आपको दूसरा अवसर भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बड़े बाबा का जो बोली लगेगी वो डायरेक्ट 11,000 से चालू होगी। अगर जो भी महानुभव ये परम सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं वो अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। 11,000 रुपए आपको सभी को सपरिवार नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई। आप 2024 प्रथम दिन दिवाली देवी में जा रहा है, बड़े बाबा के सम्मुख महाशिकारी महा चमत्कारी विश्व के प्रथम दिन में इन्होंने लगातार 15 दिन तक 21 से अधिक बार यहाँ पर देवों द्वारा जलधारा अभिषेक आपने देखा। और ये बात 2015 में जब पंच कल्याण के पहले जब ये प्रतिमा विराजित की गई थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, जब पूज्य गुरुदेव सुदास सागर जी महाराज ने कहा था कि ये जिन बिंदु एक इतिहास रचेगा और 5 जून 2023 को प्रथम बार बड़े बाबा के यहाँ हजारों हजार लोगों ने अतिशय देखा, लाखों करोड़ों लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से उस दृश्य को लगातार मुद्रा में देखा। ऐसे पावन क्षेत्र पर 2024 के प्रथम दिन हम उपस्थित हैं, हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अति प्राचीन 200 साल से ज्यादा पुरानी जितमिंद भूतल पर विराजित देवादि देव के जरा आदिनाथ भगवान के 108 रिद्धि कलश शांति धारा अभिषेक और भगवान को विहार करने का अवसर मात्र आपको 11,111 रुपए में आपको प्राप्त हो रहा है। आज आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि पूर्णानंद भगवान के अवसर आपको साल में कुछ ही दिन प्राप्त हो पाता है, क्योंकि अति प्राचीन जिन में और ये सब गुरुदेव का और विधान का जो हमें नियम के अनुसार विशेष अवसरों पर ही ऐसी अति प्राचीन जिन का 108 रिद्धि कलश शांति धारा 108 रिद्धि कलश शांति धारा अभिषेक करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है और आप इसका लाभ आप ले सकते हैं। 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए ढाई, जिनके भी भाव हमें बता दें ताकि हम बोली को समाप्त कर सके। ₹11,111 रुपए एक, ₹11,111 रुपए दो, ₹11,111 रुपए ढाई, और अंतिम बार ₹11,111 रुपए तीन। ये पुण्यार्जन ये पुण्यार्जन
श्रीमान मनीष कुमार जी परिवार द्वारा किया गया है, पूरा नाम भी बोलूँगा। नीचे व्यवस्था हो गई। विजय जी कौन देख रहा है नीचे? रमेश जी पुजारी साहब जहाँ भी हों नीचे एक बार थोड़ा सा देख लें। अब बड़े बाबा के महातिशयकारी महाचमत्कारी बड़े बाबा के सम्मुख में आपको सीधा जोड़ता हूँ। 11,111 रुपये बड़े बाबा के प्रथम 108 निधि कलश बड़ा कलश, उसके बाद में 108 निधि कलश शांति धारा अभिषेक और भगवान को विहार करने का अवसर एक ही बोली में कहीं सारे पंडित भूलाई भगवान के जिन्होंने 11,000 की राशि से जो आज प्रज्वलित किया है। श्रीमती कमलाबाई मनीष कुमार जी, श्रीमती सारिका जी, दाक्षा दीक्षा जी, उर्मी ध्रुव जैन गरेटा परिवार सिरोहा सिरोज वाले सभी ताले बजाते हैं। सिरोज बड़े बाबा के 108 निधि कलश शांति धारा अभिषेक के बोली 15,115 रुपए जो बढ़ाए सो पाए 16,116 रुपए बड़े बाबा जो आपके सामने जो पुण्य देवी शान है ऐसे बड़े बाबा जिनको निहार थे हमारे सब कष्ट अपने आप से दूर हो जाते हैं। 21,000 जय बोले बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। 21,000 लगातार विष्णु के प्रथम दिन में बिंबिहार बड़े बाबा इन्होंने लगातार 15 दिन तक 21 से अधिक बार एक अतिशय जहाँ हमें देखने को मिला 2023 जिसको हमने कल रात विदा कर दिया ऐसे बड़े बाबा के सम्मुख आपको बड़े कलश से आदित्य दर्श बड़े कलश से आपको कलश का अवसर 108 निधि कलश शांति धारा अभिषेक और भगवान को विहार करने का अवसर मात्र 21,121 रुपये जो बड़ा सो पाए 21,121 रुपये 21,121 रुपए मूल लाइन भगवान की बोली जा चुकी है 11,111 रुपए सरोज वाले परिवार ने प्राप्त की है। दूसरी बोली चल रही है बड़े बाबा के प्रथम अवसर जिनको मिलेगा 21,121 रुपए एक 21,121 रुपए दो 21,121 रुपए ढाई 22,122 रुपये जो बढ़ाए सो पाए ऐसा अवसर ये फिर एक साल बाद आपको नया साल के अवसर पर ही ये दिन आपको प्राप्त होगा। आज आप इसका लाभ लें 22,122 रुपये 22,122 रुपये 22,122 रुपये 23,123 रुपए 23,123 रुपए बड़े बाबा रुपये बड़े कलश 25,125 रुपए सभी तालियां बजाते बोलो बड़े बाबा की महातिशयकारी महाचमत्कारी बड़े बाबा आपके सम्मुख विराजित
25,125 रुपए जो बढ़ाए सो पाए, जिनके भी भाव अपने भाव को प्रदर्शित कर दें। 25,125 रुपए, 25,125 रुपए। आप ज्वाइंट ग्रुप में भी बनाकर बाहर से बना रहे जीएसटी ले सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और आप भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। 25,125 रुपए, 25,125 रुपए। देवाली देवी के जाना 28,000। जय बोले बड़े बाबा श्री आनंद। 28,128 रुपए। मूल नारायण भगवान का अवसर प्रथम प्राप्त हो चुका है। आज के विधान का पुण्यार्जन 3100 रुपए राशि के माध्यम से जो भी पुण्यार्जन करना चाहे प्रति नए वर्ष के अवसर पर वो हमें अवगत करा सकते हैं। आज का विधान का पुण्यार्जन श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती प्रतिभा जी झालावाड़, धन सिंह जी, श्रीमती कांता जी कोटा पानी वाले की ओर से आज विधान किया जा रहा है। और भी जिसके भाव 51,000 की राशि से असीम कालिक भक्ता पर विधान जीवन पर्यंत जिंदगी के साथ भी और जिंदगी की बात भी आप कर सकते हैं। प्रतिवर्ष आपको उसमें एक चांदी का सिक्का और नंद्यावत साथिया मिलेगा। नव वर्ष पर ही घोषणा करके आप आज अपने दिन को बड़े यादगार बना सकते हैं। मात्र 51,000 की राशि से बाहर से बधाई हुई श्रेष्ठियों के लिए उसमें रहने की और भोजन की व्यवस्था साथ में आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। बड़े बाबा के 108 बड़े कलश, 108 मिनी कलश, शांति धारा अभिषेक और भगवान को विहार करने का अवसर मात्र 28,128 रुपए जो बड़ा इसको पाए। प्रथम और से आपको यह अवसर प्राप्त होगा। महाधिशकारी महाचमत्कारी बड़े बाबा 1100 रुपए की राशि मात्र से जो 108 मिनी कलश पे जो शांति धारा करना चाहते हैं। बोली चल रही है जो भी मार को प्राप्त करना चाहते हैं। आज 2024 का 28,000 की बोली बड़े बाबा के सम्मुख विराजित दिवाली देव के जा रहा, जिनके बड़े बाबा की बोली है, जिनके भाव हो वो माताएं बहने भी अपनी बोली में भाग ले सकती है। अगर उनके पास शांति धारा अभिषेक करने वाला नहीं है, हमारी श्रेष्ठ द्वारा करवा दी जाएगी। आप उसमें आपको पुण्य आप को लगेगा, निश्चित रहे। जिनके भाव जो भी चाहे वो भाग ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। इकतीस हजार एक सौ इकतीस रुपए बोले बड़े बाबा। 31,131 रुपए, 31,131 रुपए दो प्रथम अवसर, और यह अवसर फिर एक साल बाद आपको मिलेगा। आज इस अवसर का लाभ लें। महादिशाकारी महाचमत्कारी बड़े बाबा जिन्होंने लगातार 21 भाग 15 दिन तक जहां पर हमने अविरल धारा देखी, ऐसे बड़े बाबा के 108 शांति धारा अभिषेक पर भगवान को विहार करने का अवसर मात्र 31,131 रुपए। जिनके भी भाव हो वो हमें बता दें, बोली जाने वाली है। और फिर ये अवसर आपको एक साल बाद इस दिन में एक साल बाद ही मिलेगा, बाकी हर रविवार को आपको प्राप्त होता है।
31,131 बैठे, सभी का थोड़ा भाव समय अपनी गति से बढ़ता हुआ, 31,131 में दो, 31,131 में ढाई, 1100 रुपए की शांति द्वारा जिनको भी श्रेष्ठ को लिखाना हो वो अपना नाम लिखा सकते हैं। 1100 की राशि के माध्यम से आपको शांति धारा का अवसर प्राप्त होगा और होली के माध्यम से आपको 108 अति कलश का भी अवसर प्राप्त होगा। आज नया वर्ष आपके लिए मंगल में और मंगलकारी हो ऐसी मेरी कामना है। प्रबंधकार आपके हार्दिक बधाई, एक नए वर्ष की और आपके परिवार के बड़े बाबा सुख समृद्धि भरे ऐसी मेरी कामना है। 31,131 रुपये एक, अंतिम बार में बोलूंगा 31,131 रुपये दो, 31,131 रुपये ढाई और 31,131 रुपये पौने तीन, और अंतिम बार बोलते हुए देखिए अभी भी विचार कर लीजिए, एक मिनट का समय है। आज वर्ष का प्रथम दिन है और अपने वर्ष के प्रथम दिन को हमें मांगलिक बनाना ही चाहिए किसी भी रूप में हम बनाए। तो महाधिशयकारी प्रथम देव आदिनाथ तीर्थंकर भगवान जी के श्रीमस्तक पर आज के प्रथम दिन पर सर्वप्रथम अभिषेक करने का परम सौभाग्य इंद्र बनकर के वो भी और 108 रत्न मंत्रों के द्वारा स्वर्णमय कलशों के द्वारा कलशाभिषेक करने का परम सौभाग्य, स्वर्णमय झारी से बृहत् शांति धारा करने का परम सौभाग्य और भगवान को भव्य विहार कराने का परम सौभाग्य। ऐसा पूरे भारत में विहार कहीं नहीं होता, मात्र पुण्योदय अतिशय नदी आदि में ऐसा विहार होता है। ऐसे अतिशय क्षेत्र में विराजमान श्री जी को श्री विहार कराने का परम सौभाग्य 31,131 रुपए एक अंतिम बार बोलूंगा, इसके बाद आपको ये अवसर फिर दूसरे ओर से प्राप्त होगा। 31,131 रुपए दो, 31,131 रुपए ढाई, 31,131 रुपए पौने तीन और अंतिम बार 31,131 रुपए तीन। ये पुण्याजन हमारे श्रेष्ठ जी, हमारे मामा शाह श्रीमान पदम जी, सीता जी, राजेंद्र जी, आशा जी, युगम काका जी, छाया जी, प्रतीक जी, वैभव तद्वी, यह शिक्षा परीक्षा तक्ष समस्त परिवार में प्राप्त किया है, सभी को जोरदार उनके सम्मान में। और दूसरी ओर से बड़े मामा के दूसरी ओर से 108 अति कलश शांति धारा अभिषेक और भगवान को विहार कराने का अवसर कहाँ से चालू करें, बड़े कलश से आपको यह अवसर प्राप्त होगा अभिषेक करने का दूसरी ओर से भी। और पहले और दूसरे का कोई महत्व नहीं होता, द्रव्य का महत्व होता है, जो द्रव्य ज्यादा देता है पुण्य उसको ज्यादा लगता है। ऐसे में भावना ऐसे में जितना मुझे ज्ञान है ऐसे मैं बात आपको बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करें आप। 21,000 जय बोले बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान ने की जय। दूसरी ओर से महाअतिशयकारी महाचमत्कारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर सर्वप्रथम इंद्र बनकर के अभिषेक करने का परम सौभाग्य, बृहत् शांति धारण करने का परम सौभाग्य, 108 रत्न मंत्रों के द्वारा कलशाभिषेक बृहत् शांति धारण करने का परम सौभाग्य, श्री जी को विहार कराने का परम सौभाग्य, एक ही बोले में 4,000 परम सौभाग्य, 25,000 भाव आप 28,000 ये जिंदगी 28,000 की बोली चलती ना, आप नाम सुनोगे तो बहुत आपको आश्चर्य होगा। ऐसे हमारे जो संस्कार के बच्चे हैं उनकी ओर से बोली चल रही है, इसलिए आप बोली में अधिक से विद्यासागर आचार्य विद्यासागर पालक छात्रावास जहाँ के हमारे बच्चे संस्कारी और पूरे संस्कार वर्ग के और पूरे हिंदुस्तान से आकर यहाँ अपने ज्ञान का वर्धन शिक्षा वर्धन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की बोली चल रही है। सभी के सम्मान में इनके हौसले को हम कई करते हुए एक पास भी जोरदार इनके सम्मान में जिनकी इतनी भावनाएं सीधे जो अपने भाव को बनाते हैं कम से कम, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। 28,128 में पौने थी और अंतिम बार में बोलूंगा जिनके भाव को बता दें
प्रथम ओर से बोली गति से अनुभव जा चुकी जैसा आपको मालूम ही है। हमारे श्रेष्ठी हर्षोरा परिवार द्वारा इसका पुण्यार्जन किया गया है और सिरौन परिवार द्वारा मूल लाए भगवान आदिनाथ भगवान की बोली का पुण्यार्जन किया है। और अब भी दूसरी ओर से बड़े बाबा महाजिशकारी महाचमत्कारी बड़े बाबा की ये शॉर्टी कलश शांति धारा अभिषेक और भगवान को अवसर चल रहा है। आज के विधान मंडल दूसरे श्रीमान विकासचंद जी देवेंद्र जी हर्षोरा परिवार द्वारा किया जा रहा है। सभी को जोरदार धन्यवाद देते हैं। और किसी को मेरे साथ आज पत्ता परमंडल करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना नाम हमें लिखा दें। और भी किसी भी प्रकार का दान आज नया वर्ष है गौशाला में दान देना चाहते हैं आप भोजनाल में दान देना चाहते हैं जिनवाणी केंद्र में दान देना चाहते हैं सभी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अधिक से अधिक आप दान देकर आज अपना नव वर्ष बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। और अंतिम बार बोलूंगा ये बोली जा रही है छोड़ दूं सभी के है रजा 28128 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
बालक छात्रावास के बच्चों द्वारा ये बोली दी गई है और वो डॉक्टर पटेल की अनुमोदना जितनी भी आपकी अनुमोदना करें वो बहुत कम है। 11,000 रुपए की राशि की मात्र राशि से आज आप बड़े बाबा के शांति धारण करने का आप अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपना नाम 11,000 की राशि से लिखवाना चाहते हैं वो अपना नाम हमें लिखते हैं। मैं ये अवसर आपको प्राप्त होगा 11,000 की राशि से जो भी ग्यारह हजार रुपए की राशि के माध्यम से बृहद शांति धारा करने का परम सौभाग्य जो भी महानुभव प्राप्त करना चाहते हैं बड़े बाबा जी की श्री वस्तु पर मात्र 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप यह परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ग्यारह हजार रुपए जिनके भाव हो बड़े बाबा के जो अपनी मिनिमम से बच्चे में देना चाहते हैं 11,000 की राशि से शांति धारा अभिषेक और भगवान को विहार करने का अवसर मात्र प्राप्त होगा 28,128 की राशि से जो हमारे अभिजी चरित्री जी आदि जी अक्षय जी की संस्कार की जय आचार्य विद्यासागर बालक छात्रावास के बच्चे सभी दोबारा से बहुत जोरदार तालियों में दे 28,128 की राशि से इन्होंने जारी किया है। 11,000 रुपए की राशि से हमारे पास एक स्वीकृति आ चुकी है जो भी उसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाकर आप इसका अवसर का लाभ ले सकते हैं। आज के ही दिन बड़े बाबा के आपको नए साल में ये अवसर प्राप्त होगा 11,111 रुपए की राशि मात्र से प्रथम बोली 31,000 की जा चुकी है दूसरी बोली 28,000 की जा चुकी है जिनके भी भाव हो भाव बता दें। ग्यारह हजार रुपए की राशि से हमें श्रीमान दो स्वीकृति में 11,000 की बड़े भाव की आज प्राप्त हो चुकी है और भी जिनके भाव हो वो हमें अपना नाम बता दें। नीचे पूतन पर विराजमान 11,000 की राशि हमें आज बड़े बाबा की श्रीमती उमा जी तरुण जी राशि जी अनिशा जी जैन अशोक विहार दिल्ली से हमें प्राप्त हो चुकी है सभी पर जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजा दें बुनियादे परिवार को आप उनको माला पहना दे जाए बहुत सारी आज हमारी 11,000 बहुत सारी शांति हमारे पास है। मैं भी सभी के नाम पुकारूंगा जिनके भी 11,000 राशि से
जिस भी चांदी के जिस भी पर भाव हो वो अपना नाम हमें लिखा सकते हैं। नीचे भूतल पर विराजमान बोले भगवान जी वाली देवी खजारा श्री आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर, दूसरी ओर से यदि कोई महानुभाव 108 सिद्धि मंत्रों के द्वारा कलशाभिषेक गृह शांति द्वारा एवं श्री जी को विहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वे हम तक अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। पूजन पर विराजमान आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर गृह शांति द्वारा 108 सिद्धि मंत्रों के द्वारा कलशाभिषेक करने का परम सौभाग्य यदि कोई महानुभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो वे हम तक अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। अब मैं सीधा आपको जोड़ता हूँ बड़े बाबा देवाली देव के नाराज बड़े बाबा महाधिशकारी महाचमत्कारी जिन्होंने इसी वर्ष पुराने गए वर्ष 2023 में लगातार 15 दिन तक 21 से अधिक बार जहाँ पर अग्रिम धारा हुई लाखों करोड़ों लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से और हजारों लोगों ने डायरेक्ट अपनी आंखों से दृश्य को कैद किया और अपने आप को पौराणिक मैसेज दिया कि हम इस में हम इस युग में पैदा हुए हमें बड़े बाबा के अभिषेक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपको सीधा जोड़ता हूँ मुख्य पांडुशिला से 5100 रुपए मुख्य पांडुशिला पर विराजमान देवाधि देवनायक भगवान 108 शांति अभिषेक और भगवान को प्यार करने का अवसर मात्र 5100 रुपए 7100 रुपए 8100 रुपए जिनके भी भावों को बता दें और 11111 रुपए जो भी अपने भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं वो हमें बता दें 11111 रुपए मुख्य पांडुशिला पर विराजी देवाली देव गजाराट विधिनायक भगवान का अवसर आपको भी मिल रहा है। सीधे लाइव फेसबुक से जुड़ेंगे लाखों करोड़ों लोग आपको फेसबुक के माध्यम से देखेंगे ऐसा अवसर प्रथम दिन आप प्राप्त कर सकते हैं 11111 रुपए 11111 रुपए जिन्होंने 11000 रुपए में नाम लिखवाए वो अपने बोली को आगे बढ़ा करके भी यह परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य पांडुशिला की बोली चल रही मुख्य पांडुशिला पर विराजमान विधि नायक भगवान देवाली देवी कंदारा श्री आदिनाथ भगवान जी के श्रीमस्तक पर 11000 की राशि मैं बड़े बाबा के लिए एक दो शांति धारा बड़े कलश अभिषेक शांति धारा और 108 कलश बड़े बाबा की बोल रहा हूँ मैं बड़े बाबा के में स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्रीमान संजीव कुमार जी राजीव कुमार जी सुधीर कुमार जी सम्यक जैन तन्मय जैन आर्जव जैन श्रीमती विमला जी विमला देवी जी सुनीता जी जैन सीमा जी जैन संगीता जी जैन पारुली जैन राशि जैन श्रुति जैन सुहानी जैन आद्य जैन एवं याद्या जैन एवं समस्त कोहले परिवार अजमेर वाले सभी पर जोरदार सम्मान की ताली बजा दे। थोड़े ही दिन पहले आपको याद है आपके मस्तक पटल पर याद होगा थोड़े दिन पहले ये संदूक यहाँ पधारा था देर से जब उन्होंने यहाँ का जो अपनी अनुशासित एक प्रक्रिया देखी थी बड़े प्रभावित थे मुझे बहुत बार उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छा आप एक पूरे अनुशासित ढंग से आपके यहाँ कार्यक्रम होता है। मैं इनके प्रशंसा की बहुत तारीफ करता हूँ कि आपने हमारे हौसले को अफजाई किया बहुत बहुत आपको धन्यवाद आभार आपका 11111 रुपये 500 रुपये की आप शांति धारा नहीं करा पाएंगे माफी चाहता हूँ आपको थोड़ी सी मुझे भी कितने अच्छा लग रहा आज 1100 की राशि मात्र से आप 108 बड़े आज बहुत बड़ा दिन है इसलिए आज 1100 की राशि की हमें स्वीकृति दे बहुत बहुत आपका ये हमारे ऊपर एक कृतज्ञता रहेगी इसलिए मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ परंतु मैं आज 1500 रुपये की राशि से आपको 11000 रुपये की राशि से और भी बड़े बाबा की जो शांति धारा करवाना चाहते हैं मुख्य पांडुशिला की बोली चल रही है प्रथम ओर से 11111 रुपये 11111 रुपये सभी श्रेष्ठ ध्यान दें ये अवसर निकल जाएगा बातों में से अपना ध्यान हटाएं और सीधे भगवान से जुड़ जाएं 11111 रुपये 2 11111 रुपये 2.5 3 मुख्य पांडुशिला जहां पर लाखों करोड़ों लोग आपको फेसबुक के माध्यम से सीधे देखेंगे और शाम को फोन का आपको तंता लगेगा कि नववर्ष में आपने मुख्य पांडुशिला पर ये बोली लगा के शांति अभिषेक किया है ऐसा करने का अवसर आप
बार बार मिलने वाला नहीं है, आज नया साल है, फिर अगले साल आपको अवसर प्राप्त होगा। 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए ढाई, पौने तीन, और अंतिम बार में बोलते हुए आपको एक बोली छोड़ रहा हूँ, इसके भी भाव बता दे, इशारा कर दे। सभी पंडिया के परिवार को फूल माला पहनाते जाए ताकि समय हमारा बच सके। 51,000 की लिख दूं आपकी मैं, ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपए एक, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए ढाई, पौने तीन, और अंतिम बार बोलते हुए 11,111 रुपए तीन। श्रीमती सुशीला भाई, राजकुमार जी, अशोक जी, विवेक जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त होना परिवार सुंदरवाल ने प्राप्त किया, सभी को जोरदार तालियां बजा दे। बोल रहे भगवान की दूसरी ओर से 108 शांति धारा अभिषेक, और भगवान को भूतल पर विराजी इनकी प्रथम बोली श्रवण वाले परिवार ने प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी ओर से 108 शांति धारा अभिषेक और भगवान को विराज करने का अवसर मात्र। कहां से आपका जिसकी भाव बता दे, कहां से चालू करें। फूल नाई भगवान जिनका आपको साल में बहुत कुछ देने आपको ये अवसर प्राप्त होता है, जिसके भाव दूसरी ओर से हो मम्मी मिनिमम राशि मुख्य पांडी शिला की बता दे, और देवाजी देवी हजार बोल रहे भगवान की बता दे, जिनके जो भाव बता दे ताकि हम बोली को आगे बढ़ा सके। मुख्य पांडी शिला पे विराजित देवाजी देवी हजार विधि नायक भगवान की बोली कहाँ से लगाऊ, इसके भाव है 51,000 से कहाँ से लगा बोलो ना, मुख्य पांडु शिला की और अपने नीचे मूल नायक भगवान की 5,100 यहाँ की नीचे की नहीं आपका जहाँ पाओ, मैं तो दोनों तरफ से दोनों ओर की लगा दोनों जगह की लगा दू। मुख्य पांडु शिला की दूसरी ओर से बोली 5,100 रुपए की मैं स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो बड़ा है सौ पाए 5,100 रुपए, जो बड़ा है मूल नायक प्रेम विधि नायक भगवान ये चल रही है विधि नायक भगवान मुख्य पांडुशिला पर विराजी देवाजी देव विधि नायक भगवान की बोली चल रही है 5,100 रुपए, जो बड़ा है सो पाए 5,100 रुपए एक। समय थोड़ा अपने तेज गति से आज चल रहा है, बहुत सारे आने वाले कार्यक्रम है, हमें विधान भी करना है और शांति धारा भी है 6,100 रुपए, 6,100 रुपए ये दूसरी स्थापन मुख्य पांडुशिला की चल रही 600 रुपए, और भगवान को प्यार करने का जिन्होंने बोली लगाई हो और उनको लगता है कि यार हमारी बोली कम में छूट गई तो कुछ बढ़ा के उसको भी आगे लिखवा सकते हैं, उसका पुण्य डबल है सीधा। किसी की बोली अगर 11,000 में छूट गई 22,000 करने का मन हो तो अपने मन को आज बिल्कुल खुला रखें और
7100 रुपए एक मुख्य स्थपन पीठ पर विराजित देवा जी विनायक भगवान की गोली चल रही है। 7100 रुपए दो, 7100 रुपए ढाई, 7100 रुपए पौने तीन, 7100 रुपए अंतिम बार में पूछूंगा और बोली ग्यारह सौ की राशि से जो अन्य स्थापन भी प्रशांति द्वारा करना चाहते हैं वो भी हमें अपना नाम दिखा दें ताकि हम समय पर ये कार्यक्रम चलूर कर सकें। ये बोली चल रही है 7100 रुपए, 7 बीच में एक बोली थोड़ा ध्यान दें आप कंफ्यूज ना हो मैं इसलिए बोल रहा हूं। 6100 रुपए की राशि से हमें मूल नायक भगवान की दूसरी ओर से 108 की कलश शांति धारा करने का हमें स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जो बढ़ाएगा सो पाएगा। अभी मैं चल रहा हूं मुख्य स्तंभ पीठ पर विराजी देव देव के विधिनायक भगवान की बोली 7100 रुपए एक, 7100 रुपए दो, 7100 रुपए ढाई, 7100 रुपए पौने तीन। अपनी बोली को भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई इसके लिए वो नहीं है कि आपको दूसरा बढ़ाएगा जब आप बढ़ाएंगे आप बढ़ा सकते हैं। मैं अंतिम बार बोलूंगा इस बार 7100 रुपए एक, 7100 रुपए दो, 7100 रुपए ढाई पौने तीन और 7100 रुपए तीन। ये बुनियादी श्रीमान राजेश जी, सोनल जी, नवाज जी, उमांशी जी, सेठिया परिवार, आनंद राय जैसे हमारे गुरु परम गुरु भक्त सुधा सागर जी महाराज के अनंत भक्त, उन्होंने ये अवसर प्राप्त किया है। बहुत बहुत आपका आभार। आपको मुकुट माला से सुसज्जित किया जाए, इंद्र बनाया जाए। दूसरी नीचे दूसरी ओर से मुख्य पांडुशिला मुख्य मूल नायक आदिनाथ भगवान की बोली 6100 रुपए मात्र, 6100 रुपए, 6100 रुपए रुपए सीधा जुड़ जाए आप नीचे भूतल पर विराजित देवाधिदेव के जनार्दन मूल नायक भगवान से सीधा ले चल रहा हूं मैं आपको 6100 रुपए एक समय का भाव, 6100 रुपए दो, 6100 रुपए ढाई पौने तीन और अंतिम बार में बोलूंगा 6100 रुपए छोड़ दू। क्यों करो 6100 रुपए एक मूल नायक भगवान जिनका अवसर आपको साल में कुछ ही दिन प्राप्त होता है सीधे आप जुड़ जाए 6100 रुपए एक, 6100 रुपए दो, 6100 रुपए ढाई, 6100 रुपए पौने तीन और 6100 रुपए तीन। ये बुनियाद 2100 की राशि से जो भी और भी चाहते हैं तो वो भी अपना नाम हमें अनिष्टमन पीठों में दिखा सकते हैं ताकि हम व्यवस्था कर सके। आज थोड़ा सा हमें अपने कमेटी के मेंबरों की जरूरत पड़ेगी तो आप थोड़ी सी व्यवस्था करो। दूसरी ओर से मुख्य पांडुशिला की बोली श्रीमान राजेंद्र जी, सोनल जी, उमान जी, नवान जी, समस्त सेठिया परिवार, आनंद राय जी, तलमंडी वालों ने प्राप्त किए और नीचे मूल नायक भगवान के दूसरी ओर से जिन्होंने पुण्यार्जन किया 6100 की राशि से श्रीमान राजेंद्र जी, अभी जी, मुन्ना जी, मंजूषा, निपुण, समस्त बरमुंडा परिवार, दादावाड़ी, सभी एक बार जोरदार ताली बजाते हैं।
सम्मान में 6100 की राशि दे रही हूँ सर। सभी को फूल माला पहना दे और सभी से मेरा निवेदन, मेरा आग्रह, मैं बड़े बाबा के आपको नाम पुकार रहा हूँ, बड़े बाबा के मैं नाम पुकार रहा हूँ। और भी किसी को 11,000 की राशि से आज बड़े बाबा के 100 दिन शांति धारा करना चाहते हैं और तो अपना नाम हमें लिखा दे। और भी 11,000 की राशि से दो है प्रथम और श्री पदम जी, राजेंद्र जी, हरसोरा परिवार द्वारा हुकम जी और प्रकाश जी, हरसोरा परिवार द्वारा 108 बड़ा कलश करेक्ट किया जा रहा है। दूध और प्रथम और से ही श्री अजमेर वाले सुमित जी परिवार द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ से बालक छात्रावास और हमारे दिल्ली वाले परिवार द्वारा की जा रही है। मेरा थोड़ा बच्चों से निवेदन है क्रमबद्ध करना ताकि दोनों पक्षों को कोई थोड़ा तकलीफ न आए और आपकी भावना को पूरी कर सकते हैं। फुल लाइफ में दोनों परिवार जिनकी ये भूल लाइक पर आप बता दें, सेवन वाले परिवार और मंजूषा परिवार, बाइक चालू है पीछे, आज 3100 की राशि से जो भी पंडित स्थपन पीठ पर 108 कलश करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं वो भी शीघ्र हमें अपना नाम लिखा दें। ये अवसर आपको मुख्य स्थपन पीठ पर थोड़ा परिवार और हमारे राजेश जी आनंद परिवार को दान जाए। आपको तीनों जगह परिवार दान जाए। दूसरा परिवार भी मां दिल्ली वाला कर रहा है दोनों आप तो दो इधर भी दो है और भी किसी के भाव हो तो मैं अपने भावों से अवगत करा दे। मैं शीघ्र ही बड़ा कलश दे दे दोनों परिवार को, हरसोरा परिवार और अजमेर वाला परिवार बड़ा कलश दे दे। आप लोग आ जाए, बड़ा कलश जो पीछे चांदी का कलश रखा है ना उसको ले लेंगे अभी। और उधर आप दिल्ली वाला परिवार एक बच्चा आ जाए, बड़ा कलश आगे आगे जाए है ना। अभी
3100 रुपए में जो भी ट्रांसफर 108 विद्य मंत्रों के द्वारा दत्ताभिषेक के ऊपर शांति धारण करना चाहते हैं वे शीघ्र से ग्रंथ तक अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। मात्र 3100 रुपए की राशि के माध्यम से 108 विद्य मंत्रों के द्वारा दत्ताभिषेक ग्रह शांति धारण करने का मन सभा की जो भी मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं शीघ्र से ग्रंथ तक अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। और जो मात्र ग्रह शांति धारण करने का मन सभा की प्राप्त करना चाहते हैं वे मात्र 1100 रुपए की राशि के माध्यम से ग्रह शांति धारण करने का मन सभा की प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो भी महात्मा ग्रह शांति धारण करना चाहते हैं मात्र 1100 रुपए की राशि के माध्यम से अपना नाम लिखवा सकते हैं। बड़े बाबा की शोर शांति धारा का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बुनियादी परिवार का नाम बोलता हूँ। आओ मुकुट माला पहना दे। श्रीमान भानु कुमार जी राजेश कुमारी जी अर्पित किया सुरलाया परिवार कैथुर वाले समय शिवप्रति ग्यारह हजार की बड़े बाबा के लिए तो और भी किसी की ग्यारह हजार की भाव तो मैं अवगत करा सकते हैं बड़े बाबू की। जिन्होंने भी पुण्यार्जन किया है वो एक विशेष बात का ध्यान रखें आप सभी की फोटो आप लोग जरूर ले लें ताकि आपकी पुण्य अनुमोदना हो सके और धर्म की प्रभावना हो सके। इस मंगल भावना के साथ आप अपनी फोटो जरूर क्लिक करवा लेंगे। चलिए हाँ और एक छोटा सा निवेदन और है आप लोगों से यहाँ पर 3 बोली है 11,000 रुपए की एक आपकी है दिल्ली वाले परिवार को और 28,000 रुपए की बालक छात्रावास के बच्चों की है और 11,000 रुपए में एक और आ रहे हैं। सभी लोग क्रमबद्ध आएंगे और सभी को अवसर प्रदान करेंगे आप मुझे इस बात का ध्यान रखें ठीक है। और इधर भी 2 बोली है थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि लिफ्ट का पल्ला कमजोर है थोड़ा सा इसलिए ज्यादा लोग एक साथ उसमें ना जाएं अधिकतम 3 लोग से ज्यादा वहां पर ना जाएं आगे साइड ठीक है पीछे साइड आप लोग रह सकते हैं। हाँ बड़ा कलश लेकर के आ जाए दूसरी साइड से तीनों पुण्यार्थक परिवार पधार जाएंगे बड़ा कलश लेकर के आ जाए बड़ा कलश ले ले तीनों एक साथ आराधना कर ले। तीन ही है दिल्ली वाले भी अकेले ही हाँ तीसरे पुण्यार्थक परिवार जो है वो शीघ्र तौर पर पहुंच जाए वहां कैथुन वाले तीसरे पुण्यार्थक परिवार जो है वो बड़े बाबा की दूसरी ओर पहुंच जाए। और भी किसी के बड़े बाबा के भाव होंगे राजा के राशि से वो भी अपना नाम दिखा सकते हैं और भूतल पर विराजे देवाजी देव के जरा आदिनाथ भगवान के चलिए एक छोटा सा निवेदन है जो लोग शांति धारा अभिषेक नहीं कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे तीनों भैया लोग एक ही कलश में हाथ लगा लेंगे फिर उसके बाद आप लोग क्रमशः 108 रिद्धि मंत्रों के द्वारा दत्ताभिषेक करेंगे तब उसमें आप लोग क्रमशः आते रहेंगे। जय मेरे बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। गर्भ ओम श्री 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 पर
ओम श्री
ओम परम धरति ज्ञान विशिष्टि पूरे स्वादि विराज चतुर्वेदि निर्धन करवे नमः ओम परम धरति दक्षिण विशिष्टि पूरे स्वादि विराज चतुर्वेदि निर्धन करवे नमः ओम परम धरति सुख विशिष्टि पूरे स्वादि विराज चतुर्वेदि निर्धन करवे नमः ओम परम धरति ज्ञान विशिष्टि पूरे स्वादि विराज चतुर्वेदि निर्धन करवे नमः ओम परम धरंत बल विशेषणे उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम भौतिक ज्ञान विद्यु उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम मन परिज्ञान विद्यु उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम केवल ज्ञान विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम पीत बुद्धि विद्यु उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम गोष्ठ ज्ञान विद्यु उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम पदानुसारिणी विद्यु उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम संपिन्न स्वकृत विद्यु उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम दूर स्वादि विद्यु उग्र स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम दूर स्पर्श विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम दूर ग्रहण विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम दूर श्रवण विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम दूर दर्शित विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम तत्पूर्व विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम चतुर्थ पूर्व विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम अष्टानुधान विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम प्रज्ञा संवृत विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम प्रतीक विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम वाजित विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम गरिमा विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम महिमा विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम प्रतिमा विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम गरिमा विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम प्राप्ति विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम प्रार्थना विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम ईशत विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम वासित विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम प्रतिघात विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम अंतर्ज्ञान विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम कामरूप विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम नवसंगामच्युच्चारण विद्या विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम जलचारण्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम जंगाचारण्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम पद्मपत्रचारण्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम अग्निधूमचारण्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम वेदार चाणक्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम दत्त चाणक्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम ज्योतिष चाणक्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम बल चाणक्य विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम पुगृत बहिर्विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम दीप्त बहिर्विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम तप्त बहिर्विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम पाद बहिर्विद्यु स्वादि विराज चतुर्विंशति तीर्थं करिमे नमः ओम परम पोर्त बहिर्विद्यु
स्वादी वीरा चित्रवेदी तीर्थंकर नमः छात्रावास श्रीमान संजीव कुमार जी
कोटला परिवार अजमेर वाले श्रीमती उमा जी तरुण जी, दिल्ली वाले श्रीमान किशोर में नाम बोल रहा हूँ, श्रीमान भानु कुमार जी, कैथुर वाले परिवार, श्रीमान राजेश जी अन्य डायग्नोसिस परिवार, श्रीमान राजेश जी, मंजूषा जी, महावीर कॉम्प्लेक्स वाले परिवार, श्रीमती युगला जी, धननाथ जी, चटानी वाले परिवार, श्रीमान पवन जी, आदित्य जी, जबलपुर वाले परिवार, श्रीमान भक्तानंदी, श्रीमान अनिल जी, चंद्रकांत जी, झालावाड़ वाले परिवार, श्रीमति सुशीला भाई थोरा परिवार, श्रीमान प्रकाश जी, श्रीमान प्रकाश जी बढ़िया परिवार, श्रीमान रमेश जी आवा वाले परिवार, श्रीमान ऋषभ जी मोई वाले परिवार, श्रीमान प्रकाश जी हरसोरा परिवार जयपुर ये विधान प्रकाश जगह और तो। श्रीमान मनोज जी आशा जी लोगिया परिवार, और भी ग्यारह सदन को अपना नाम उठाना चाहे वो भी अपना नाम लिखा सकते हैं। श्रीमान ज्ञानचंद जी कंजोलिया परिवार में और नाम उठा रहा हूं। अभी हाँ हाँ जी अभी बोल रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ कि नाम दो मिनट एक मिनट का टाइम समय लगेगा, नाम बोलेंगे बहुत सारे नाम, बाकी आप निश्चित रहे भी सभी का नाम बोलेंगे, फिर जिनके भी रह जाए वो मन बता दें। ग्यारह सौ बिरासी में बोल रहा हूँ, श्रीमान प्रिया जी अग्रवाल, श्रीमती प्रिया जी अग्रवाल, श्रीमान मनीष जी जबलपुर वाले परिवार, श्रीमान अतुल कुमार जी विश्वली परिवार, श्रीमान सुरेंद्र जी धानुद्या परिवार, श्रीमान भागचंद जी पिंपू वाले परिवार, श्री महावीर कुमार जी बिजोली वाले परिवार, श्रीमान कैलाश जी रियाज जी मंगल परिवार केवी वाले, श्रीमान निर्मल कुमार जी बांसवाड़ा वाले परिवार, श्रीमान सुरेश चंद जी सुबेर चंद जी जैन गोरेला वाले परिवार, श्रीमान अशोक जी बरमुंडा परिवार, श्रीमान राजेश जी अजमेरा जयपुर वाले परिवार, श्री महेंद्र जी लक्ष्मी जी गोदा परिवार, श्री प्रिंस जी फिरोजाबाद वाले परिवार, श्री हुकुम चंद जी सोगानी दादावाड़ी वाले परिवार, श्री नंदन जी कमलेश जी पिपलिया वाले परिवार, श्री हुकुम चंद जी रितेश जी ठाई परिवार, श्रीमती कुसुम जी ठग परिवार, श्रीमान पारस जी रावलपाटा वाले परिवार, श्रीमती कमला जी रमेश जी समस्त सोगानी परिवार, श्रीमान कैलाश चंद जी राजेंद्र जी गुड़ वाले परिवार, श्री महेंद्र जी अतुल जी निमिषा जी परिवार, श्री सुशांत जी बालक छात्रावास वाले परिवार, श्री संतोष जी जैन सागर वाले परिवार, श्री जम्मू कुमार जी उषा जी गंगवाल परिवार, श्री विनोद कुमार जी अशोकनगर वाले परिवार, श्रीमती आरोमा जी चेतन जी लोहड़िया परिवार, श्री विमला देवी ललितपुर वाले परिवार, श्री संजय कविता दुगेरिया परिवार, श्री राजेंद्र जी सावला परिवार, श्री अभिषेक जैन रेनवाल परिवार, अनिता जी जैन रेनवाल परिवार, श्री सूर्य जैन दर्श जैन बांधवाल परिवार, श्री रतन भाई दुगेरिया परिवार, श्रीमान प्रकाश चंद जी हरसोरा परिवार, श्री मुकेश कुमार जी जतलवाली परिवार, श्रीमान अजीत कुमार जी आरोजी समझवाड़िया परिवार, श्री राजमल जी शराब परिवार, श्री प्रेमचंद जी शराब परिवार, श्री प्रदीप जी संजीव जी टोगिया परिवार, श्री राजेंद्र जी तुमकागा जी हरसोरा परिवार, श्री आर के जैन अड़ानी परिवार, श्री राकेश जी सालिक जी परिवार, मानाचंद जी चौरिया परिवार, जम्बू जी रानी जी दुगेरिया परिवार, श्रीमती शांता देवी जी सोगानी परिवार, श्री ज्ञानचंद जी खजोलिया परिवार, श्रीमती सुशीला जी भवानी मंडी वाले परिवार, श्रीमान श्रीमती सुशीला जी जैन श्रीमान जी गलसोत्तर वाले परिवार, श्रीमान मनोज जी लुंगिया परिवार, और अभी एक दो नाम और है सभी अपने अपने को अपने स्थान पर पहुंच जाए और एडजस्ट कर लें।
श्रीमान हुकम जी एडवोकेट परिवार। और भी किसी का नाम छूट गया हो तो अगर रह गया हो और यह लिखाने के इच्छुक हो तो हमें लिखा दें ताकि हम। और किसी का नाम अगर छुट्टी पर सबसे रह गया हो तो आप हमें अवगत कर सकते हैं, लिखा सकते हैं। और किसी के नाम शांति द्वारा छत्र गांधी का जो छत्र चढ़ाना चाहते हैं वो भी तुरंत प्रभाव से शांति द्वारा में पुकारा जा सके। श्रीमान धन सिंह जी पानी वाले परिवार पिड़ावा। और भी किसी के नाम रह गए हो तो मैं अवगत करा दें। खजूरी वाले परिवार का है क्या? जम्मू जी खजूरी वाले परिवार है क्या? आज चांदी का जो छत्र चढ़ाना चाहते हैं श्री जी के ऊपर महिलाओं के लिए विशेष अवसर। एक मिनट का मैं समय लग रहा है, कुछ नाम हमें और बाकी है। दोनों साइड से आप अपने खड़े हो जाए, थोड़ा सा एक मिनट का विलंब है, माफी चाहते हैं व्यवस्था के लिए। और हेमंत जी डुगरवाल से संपर्क करते हैं, विजय जी पिता जी हेलो। जो भी शांति धारा करें एक बार अपनी झारी चेक कर ले, पानी है या नहीं, जल है या नहीं, उसमें जल भर ले। एक दो नाम दो चार नाम हो रहे हैं, 1100 की राशि से आप लिखा दे। 1100 की राशि से आज शांति धारा में जो अपना नाम से वंचित रह गए हो या जिनको नाम हम नहीं बोल पाए हो वो अपना नाम हमें लिखा दे ताकि हम इसको दुरुस्त कर सके। और चांदी का छत्र चढ़ाने का आज नए साल में महिलाओं के लिए विशेष अवसर है, आप चांदी का छत्र चढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका भी नाम आप चढ़ाइए तो महिलाओं का नाम भी चांदी धारा में बोला जाएगा, ऐसा अवसर का आप जरूर लाभ लें। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, बहुत भावनाएं आज और सभी की भावनाओं को रखना कार्यकारिणी का। आज 70 के करीब शांति धारा है, ये एक नए साल में चमत्कार है। सभी जोर जोर पर ताली बजाते सभी बुनियादी परिवारों के लिए 70 से ज्यादा अवसर मिल रहा है, आप चिंता न करें, पुण्य पूरा मिलेगा 100%, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। व्यवस्था में कमी हो सकती है पर पुण्य में कहीं कोई कटौती नहीं मिलेगी आपको। चांदी का छत्र चार छत्र हमारे पास है जिनके भी भाव। श्रीमान आलोक जी जैन भवानी मंडल परिवार। और भी नाम है हमारे पास 10-12। जिनके भी भाव हमें छत्र में लिखा दें। चार छत्र हमारे पास मात्र है, जिनके भाव वो आप हमें अवगत करा दे। 1100 से आज आपको ये अवसर मिल रहा है नए साल के उपलक्ष्य में। नए साल अभी थोड़े से नाम लिख रहे हैं, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, व्यवस्था कमजोर है। शांति धारा चालू करें ताकि पुण्याचो परिवार अपने स्थान पर पहुंच जाए। नाम थोड़े
और चार पाँच भैया जी से मेरा निवेदन और पुण्याचक परिवार शांति नारायण के लिए बड़े बाबा के पहुंच जाए और भैया जी से मेरा निवेदन गणपति निवेदन भैया जी की बहुत सेवा करिए और क्या है और क्या जो ऊपर तो पूरा हो गया सभी पुण्यांगक परिवार पधार जाएंगे और थाली लेने के हाथ में प्रयोग शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जय बोले बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादी देवी का धारण श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जो लोग शांति धारा नहीं कर रहे हैं उनसे छोटा सा निवेदन है आप लोग बैठ जाइए और बैठ करके आनंद लीजिए शांति धारा करने देखने का। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओ सर्व राष्ट्र मारे
सर्व भूल विदल सभी हरी सर्वेद्रिया सर्वोदिया सर्वापस मारे प्रकाश जी छाया जी प्रतीक जी साक्षी जी वेभो तन्वी विराज ईशा परीक्षा तक्ष समस्त हरसोरा परिवार श्रीमती कमला भाई मनीष कुमार जी श्रीमती सारिका जी दीक्षा जी पूर्वी दुरु जी जैन गरेटा परिवार श्रवंजिवाले श्रीमान नबी जी चारित्र जी अक्षय जी संस्कार बालक छात्र आचार्य विद्यासागर बालक छात्रावास श्रीमान संजीव कुमार जी राजीव कुमार जी सुधीर कुमार जी सभ्यकी जैन तन्मय जी जैन आर्जव श्रीमती युगला देवी सुनीता जी सीमा जी संगीता जी वारुण जी राशि जी श्रुति जी जैन सुहानी जी जैन समस्त होटल परिवार अजमेर वाले श्रीमती उमा जी तरुण जी शशि जी अनिल जी जैन अशोक यार दिल्ली वाले श्रीमान भानु जी राजेश कुमारी जी अंकित जी आयुषी जी जैन चुलाया परिवार केतन वाले श्रीमान राजेश जी सोनल जी उमांश जी नवांश जी समस्त सेठिया परिवार आनंद टाइगोश्री तलमंडी वाले श्रीमान राजेश जी मंजूषा जी देवांगी जी समस्त बरमुंडा परिवार कसीर महावीर कॉम्प्लेक्स वाले श्रीमान अंगा जी दिनराज जी आशा जी संतोष जी सुनीता जी सुरेश जी अलका जी रवनीत जी सुरभित जी विशाल जी पूजा जी विनीत जी रुचि जी विशिका जी अमरीश जी तनु जी गर्पित जी समस्त सेठानी वाले परिवार श्रीमान पवन जी आदित्य जी अशीष जी लग्जरी बना पानगर जैव जबलपुर वाले भक्तापन मंडल विधान मुख्यालय श्रीमान अनिल कुमार जी जैन श्रीमती प्रतिभा जी जैन झालावाड़ धन सिंह जी जैन चंद्रकांता जी जैन श्रीमती सुशीला भाई अशोक जी राजकुमार जी विवेक जी आनंद जी प्रकाश जी समस्त सोरा परिवार संधारा वाले श्रीमान प्रकाश जी इंदिरा जी मनीष जी अभिलाषा जी सोनू जी मोनू जी मोना जी डलांश जी रानू जी देव देवी जी धीरज जी समस्त बढ़िया परिवार श्रीमान रमेश जी अशोक जी महेंद्र जी गीता जी संदेश जी साक्षी जी तन्मय जी पूजा जी हरी जी जैन समस्त धनौत परिवार आमा वाले श्रीमान ऋषभ जी चांदेवी जी मनीष जी सारिका जी जैन धनानिका जी विधि जी लिपि जी भई जी ईशा विवाह समस्त मोहिवाल परिवार श्रीमान प्रकाश जी दयानंद जी दीपक जी रीना जी विकास जी प्रीति जी समस्त अर्चना परिवार विधान प्रत्याशक श्रीमान श्रीमती प्रिया जी चिराग जी अग्रवाल मनीष जी जैन कंचन जी जैन समर्थ जी जैन जयंती जी जैन आशीष जी जैन अंजलि जी जैन ईशान जैन आर्जव जैन सपरिवार जबलपुर वाले श्रीमान अतुल कुमार जी महेंद्र कुमार जी पाटनी यशवंती जी अमीषा जी लवी लक्षिका पाटनी जी रामपुरा विश्वई वाले श्रीमान सूरजमल जी धर्मचंद जी श्रीमती हेमलता जी दीक्षा जी जैन धनोप्रिया परिवार श्रीमान भागचंद जी चंद्रकांत जी संजय जी अजय जी गिरनार जी कबीर जी जैन गोयल परिवार पिपलू वाले महावीर कुमार जी इंदिरा जी राजीव जी कुसुम जी आर्जव डेले अखिलेश गरिमा कनिष्का दक्षिता दलिशा बविरा भक्ता परिवार समस्त भक्ता परिवार
बिजोलिया वाले श्रीमान कैलाश जी, दिया जी, प्रदीप जी, प्रमोद जी, सोनपाल जी, जैन समस्त मंगल परिवार, बेहरू कला के अग्री वाले श्रीमान निर्मल कुमार जी, चंपालाल जी, इंद्रा बच्ची, अंशुल जी, रिनुल जी, प्रख्या जी, कियान जी, समस्त परिवार, भाषवाणा वाले श्रीमान सुमेश चंद जी, शेष जैन गोयला, छतरपुर वाले छत्तीसगढ़ वाले श्रीमान अशोक जी, इंद्रा जी, अमित जी, नमय अंता जी, आर्जो अनका जी, समस्त बरमुंडा परिवार, श्रीमान राजेश जी, बीना जी, राहुल जी, अपूर्ण जी, रजत जी, सफेद जी, समस्त अंजना परिवार, जयपुर वाले श्रीमान महेंद्र जी, लक्ष्मी जी, भव्य जी, प्रियंका जी, गौरव जी, अनाइशा जी, गोदा, समस्त गोदा परिवार, श्रीमान पिछली जी जैन, अंजू जी, अंशी जी, फिरोजाबाद वाले परिवार, श्री हुकुमचंद जी, पवन जी, कमलेश जी, संजय जी, हितेश जी, कपिल जी, अमित जी, हर्षित जी, दादावाड़ी वाले परिवार, श्रीमान नरेंद्र जी, कमलेश जी, सती जी, समस्त बगड़ा परिवार, पिपलिया वाले श्री हुकुमचंद जी, हितेश जी, ढाई बानपुर वाले प्रदीप जी, श्रीमान कुशु जी, निर्मला जी, रोहित जी, मयूर जी, मनीष जी, मीनाक्षी जी, ईशिता जी, अनिल जी, भविष्य जी, आयान जी, समस्त परिवार, श्रीमान भारत जी, महावीर जी, ऋषभ जी, प्रतीक जी, भोज जी, सावना वाले परिवार, राजपाटा, श्रीमती कमला जी, रमेश जी, सुरेश जी, भारत जी, समस्त सोमानी परिवार, श्रीमान कैलाश जी, राजेंद्र जी, रूपचंद जी, रवि जी, चित्रा जी, दिव्यांग जी, दीवा जी, समस्त गुड़की वाला परिवार, श्रीमान महेंद्र जी, अतुल जी, यशवंती जी, निशिका जी, निशिका जी, श्रीमान शशांक जी, अर्पित जी, सिद्धार्थ जी, जैन बालक छात्रावास, श्रीमान संतोष जी, कुणाल जी, कृतिका जी, कल्पना जी, किरण जी, समस्त सागर वाले परिवार, श्रीमान जम्बू कुमार जी, उषा जी, रीना जी, शिवपुर जी, आयुष जी, समस्त गंगवाल परिवार, श्रीमान विनोद कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी, अशोक नगर वाले परिवार, श्रीमती आरोमा जी, श्री चेतन जी, अनिता जी, सोनाकी जी, सिद्धार्थ जी, लोहाड़िया परिवार, श्रीमती युगला देवी जी, सत्येंद्र जी जैन, ललितपुर वाले परिवार, श्री संजय जी, कविता जी, संयम जी, समस्त दुगरिया परिवार, श्रीमान राजेंद्र जी, मयंक जी, सावला वाले परिवार, श्रीमान अभिषेक जी जैन, अनिता जी जैन, मदन जी, प्रेम जी, रेलवाल परिवार, श्रीमान शौर्य जैन, दर्श जैन, दिव्य कीर्त जैन, बांसवाड़ा वाला परिवार, श्रीमती रिंदन भाई, भारत जी, सुशीला जी, ईश्वर जी, ऋतु जी, जैन जी, विवा जी, अर्षित जी, नीना जी, कांत जी, जैन जी, समस्त सराब दुगेरिया परिवार, श्रीमान प्रकाश जी, महावीर जी, अंसार जी, राजेश जी, धानपुर जी, अक्षय जी, गौरव जी, गर्मी जी, यश, रोहित, भव्यान, अग्री, समस्त हरसोरा परिवार, सीमेंट वाले, श्रीमान मुकेश कुमार जी, अर्पित जी जैन, हरसोरा परिवार, जेतल वाले, श्रीमान अजित कुमार जी, विकास कुमार जी, मनीष कुमार जी, राजदेव जी जैन, समस्त दुआड़िया परिवार, श्री राजन जी जैन, सराब परिवार, श्रीमान प्रेमचंद जी, वीरू जी जैन, सराब जैन परिवार, श्रीमती प्रदीप जी, श्रीमान प्रदीप जी, संजीव जी, राजीव जी, रोगिया परिवार, श्री राजेंद्र जी, हुकुम जी, प्रकाश जी, हरसोरा परिवार, श्री आर के जी जैन, अड़ानी परिवार, जयपुर, श्री राकेश जी, शालिनी जी, घर परिवार, श्रीमान महाचंद जी, चवरिया परिवार, श्रीमान जम्बू जी, रानी जी, दुगेरिया, दीवान जी, अभिमन जी, दिव्यांग जी, समस्त सराब दुगेरिया परिवार, श्रीमती शांता देवी जी जैन, रिंकू जी, सुरेश कुमार जी जैन, अक्षय जी जैन, अक्षिता जी, सोमानी परिवार जी, नैनवा वाले, श्रीमान ज्ञानचंद जी, सुशीला जी, प्रवीण जी, शालिनी जी, अजय जी, बीना जी, मनीष जी, मीनाक्षी जी, मधुर आरती, आकांक्षा पास, समस्त मंजूरिया परिवार, श्रीमान मनोज कुमार जी, आशा जी, शंकर जी, संकल्प जी, डोंगिया परिवार, श्रीमती सुशीला जी, ललित जी, सुरोजना जी, प्रयाग जी, शिल्पा जी, सामरिया परिवार, पवन मंडी वाले, श्री स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती सुशीला जी, सुनील जी, अतिशय जी, तत्वार जी, मोहना जी, राशि जी, सिद्धगा, देशनाथ, सीमा जी, बोरा जी, समस्त दुआड़िया परिवार, श्री मालविया, श्रीपद जी, नानालाल जी, कांदुपुरनी, बांसवाड़ा वाले, आलोक जी जैन, कांता जी जैन, वर्षा जी जैन, आदित्य जी जैन, दर्शा जैन, अंकुश जी जैन, सरोम प्रियांशी जी, अंकुश जी, बांसवाड़ा वाले परिवार, सिद्धन सिंह जी जैन, चंद्रकांत जी, संजय जैन, चंदन जैन, अमित जैन, प्रतिभा जैन, सौर्य जैन, धीरे जी, प्रयाग वाले परिवार, श्रीमान हुकुमचंद जी, सरोज जी, बंधुता जी, अर्पित जी, समस्त हरसोरा परिवार, श्रीमान प्रेमचंद जी, अर्चना जी, सराब परिवार, जिनका नाम छूट गया वो परिवार उपस्थित, समस्त शेष जी, भव्य जन, सकल दिगंबर जैन समाज, दादावाड़ी, कोटा, सकल जैन समाज, कोटा उपस्थित, समस्त भव्य जन,
उपस्थित समस्त दिगंबर जैन समाज कोटा दुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सप्रीतिरस्तो कल्याणस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो अस्माकं संसरमणि आचार्य भगवतां गुरुदेव श्री विद्यासागरणां परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सदासागरणां एवं समस्त चतुर्विध संघानां दीर्घायुरस्तो कुलगोत्र धनानि सदा संतो सत्तर श्रीमन आयु आरोग्य सर्व विवृद्धिरस्तो ओम श्री 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 विमरमस्य ओसारं विद्ये नमृतनं ब्रह्म सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम श्री 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 विमरमस्य ओसारं विद्ये नमृतनं ब्रह्म सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम श्री 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 विमरमस्य ओसारं विद्ये नमृतनं ब्रह्म सर्व शांतिं कुरु कुरु बड़ा कलश लेकर के आ जाएंगे सभी पुनर्जन परिवार बड़े बाबा के पास में बड़ा कलश लेकर के आ जाएंगे। वो लोग ही करेंगे जो भी छत्र समर्पित करना चाहते हैं वे हमसे यहाँ से प्राप्त कर ले। मात्र 1100 रुपए की राशि के माध्यम से आप छत्र समर्पित करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर महिला ये परम सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। जो भी छत्र समर्पित करना चाहते हैं चांदी का वो यहाँ से प्राप्त कर ले। काउंटर के पास से बड़े कलश को लेकर के आ जाए। दोनों सभी पुण्यार्थक परिवार से ऊपर जितने भी पुण्यार्थक परिवार खड़े हुए वे बड़ा कलश लेकर के आ जाए। धीरे धीरे जलधारा करेंगे। देवले बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाली देवी कल्याण श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। देवाली देवी कल्याण श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवाली देवी कल्याण श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवाली देवी कल्याण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक है वर्तमान स्वामी भगवान की जय। वर्तमान महामंडल विधान की जय। अच्छे स्वामी महाराज की जय। अच्छे भगवान विद्यासागर जी महामंडल की जय। समर्पित करेंगे। छत्र समर्पित करेंगे। सभी लोग छत्र की आकृति बना लेंगे। छत्र त्रयम् तव विभाति शशांकनाद मुझे स्थितम् स्थगित भानुकर प्रताप छत्रत्रयम् स्थापयामि जल चामरि चारु शोभं विराजते तव वपु कलधौ कृकान्तम् उद्देश्य शाङ्क सुचि निर्जरवारिदार उज्जैस्तनं सुरगिरिव शान्तकौमम् उप्रिमश्च प्रत्यर्मदि चमरद्वयम् स्थापयामः। महामंडल स्थापित करेंगे। महामंडल में हाथ लगा ले सभी लोग। ओम प्रिमष्ट प्रत्यर्मदि महामंडलम् स्थापयामः। अर्घ्य ले लेंगे सभी लोग। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पद नैवेद्य दीपत सुनो प्रफलम् रचिन कर्माष्टक प्रथम
ਸਿਮਰਨ ਪਰਮੋਕਾਰੀ ਪਰਮ ਸ੍ਰਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀਰਥ ਜਿਨੋ ਧਾਰਨ ਵਿਚੰਦ ਬਦ ਪਿਤ੍ਰਿ ਤੁਲ ਗੁਰਦੀ ਪ੍ਰਿਯ ਅਮਸ਼ਰਵਣ ਪੂਜਿ ਬਲਿ ਪੁੰਗ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਾਗਰ ਮਹਾਮਨੀ ਤ੍ਰੈ ਨਮ ਸਹਿਤ ਰਹਿ ਜੀ ਬਸ ਤਮਸ ਮਹਾਮਨੀ ਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਣਮ ਅਨਰ ਪਤ੍ਰਾਪਤੀ ਅਰਗਮ ਨਿਰੋਪਾ ਮੀਤੇ ਸਵਾਹਾ ਮਤਵਾ परिमार्जन करो मे नंद विदाय भव तोष्ट सहस्रनाम उच्चारणे नमन सोवत तो विशोते विवेक्षोरेष्ट में नदेष्ट गायें विधातो सिवासने विधिवत अत्र निवेश्यामी मैं आज नए साल की सभी को बहुत बहुत बधाई और नए साल में पुराने साल के बाधिया का सभी का प्रबंध कार्यकारिणी को सहयोग मिलता रहेगा इसी आशा से मैं आज के भगवान को विहार करने वाले पुण्यार्थक परिवार थोड़ा ध्यान से सुन लें। आज भगवान विहार वही पुण्यार्थक परिवार करेंगे जिनका मैं नाम बोलूंगा ताकि आप अपना नाम सुन ले और सुनिश्चित कर ले अपनी जगह। मैं नाम बोल रहा हूं महायज्ञ नायक श्रीमान पदम जी राजेंद्र जी कुंभकर जी प्रकाश जी हसोरा परिवार श्रीमती कमलाबाई सरोज जी परिवार नीचे से आप बता दें ऊपर श्रीमती कमलाबाई सरोज परिवार श्रीमान अभिजी छात्रावास के बच्चे श्री जी को आज ले जाएंगे श्रीमान संजीव कुमार जी राजीव कुमार जी अजमेर वाले परिवार एक श्री जी को ले जाएंगे श्रीमती उमा जी तरुण जी दिल्ली वाले परिवार एक श्री जी को आज आपके विहार कराएंगे श्री भानु कुमार जी केतुन वाले परिवार एक श्री जी आपके द्वारा ले जाए जाएंगे आज विहार कराया जाएगा श्रीमान राजेश जी सोनल जी शेडिया परिवार श्रीमान राजेश जी मंजूषा जी महावीर कॉम्प्लेक्स वाले परिवार श्रीमान विमला जी धनराज जी परिवार सभी अपनी अपनी जगह ले लें थोड़ा मैं नाम बोल रहा हूँ श्रीमती सुशीला भाई थोरा परिवार श्रीमान प्रकाश जी इंदिरा जी बढ़िया परिवार श्रीमान रमेश चंद जी गांव वाले परिवार श्रीमान ऋषभ जी बोल ही चुका मैं इतना माइक यज्ञ नायक में उसके बाद में जिन्होंने वेदी पुण्यार्थक है जिन्होंने चांदी की श्री जी को वेदी का पुण्यार्थन किया है उनके नाम में बोल रहा हूँ उनको आज अवसर प्राप्त होगा श्रीमान राजेश जी आनंद श्री राजेश जी केलाल जी गुड़वाले परिवार राजमल जी श्री प्रेमचंद जी महावीर जी सराव परिवार श्री प्रदीप जी संजीव जी डोगिया परिवार राजेंद्र जी हरसोला परिवार श्रीमान परिवार राकेश जी सालियाला परिवार श्रीमान जम्बू जी दुगेरिया परिवार उसके बाद 19 नंबर पहुंच चुका हूं मैं 20 नंबर श्री राजेश जी बीना जी राहुल जी रजत जी सफेद जी अजमेरा जयपुर वाले परिवार देवो अतिथि देवो श्रीमान नरेंद्र जी कमलेश जी संदीप जी बगदाद दिव्या वाले परिवार श्रीमान शशांक जी अर्पित जी सिद्धार्थ जी जैन बालक छात्रावास वाले बच्चे हमारे श्रीमान नितेश जी युवा जी अर्चित जी जैन जी गेरे परिवार श्रीमान श्रीमती विमला जी सतेंद्र जी ललित वाले ललितपुर वाले परिवार श्री मालवीय सिद्धपत जी नाना लाल जी खादू कोलेरी बांसवाड़ा वाले परिवार ये परिवार आज भगवान को विहार कराएंगे। एक
की व्यवस्था मैंने जो दी है। हाँ, और ये सिरोंज वाले परिवार को भी कई मनीष जी, सिरोंज वाले परिवार मनीष जी, इनको सिरोंज वाले सभी अपने अपने जिनके भी मैंने नाम उतारे आज नए साल पे आपको नेता। और अष्टमंगल पटियार, अष्टमंगल पटियार सब यहाँ पे उपलब्ध है, जिनको आज बाकी अवसर प्राप्त नहीं हो रहा वो सिंहासन महामंडल छत्र और ये अष्टमंगल अष्टपटियार लेके चलेंगे। ये इनको भी मैं खड़ा करूँ, ये अजमेर वाले परिवार उधर उधर जहां भी देखो मनीष जी थोड़ी व्यवस्था को आज थोड़ा सा एक बार व्यवस्था को बना दे।
Thank you.
Thank you.